हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज है 29 मार्च 2024। तो कल माल लाने गया हुआ था और आज चलेंगे फेरी करने। तो चलिए फिलहाल दोस्तों अभी आ चुका हूँ घूमने, इधर डेली रूटीन के हिसाब से आज सुबह सुबह फिर से आ चुका हूँ। और अभी का समय कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं, ठंडा तो दोस्तों नहीं लगता है लेकिन सुबह सुबह घूमने में मज़ा आ जाता है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, घूम के आते हैं, बिस्तरे में आज चलेंगे और बिस्तरे में से घूम करके आएंगे। और दोस्तों अभी 5:30 हो रहा है, यानी कि सूर्योदय होने ही वाला है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू है दोस्तों, और देख सकते हैं कि गेहूं भी अब पकने लगा है दोस्तों, अभी हरा है, थोड़ा सा पछिया हवा चलेगा, फिर 5-7 दिन में ही कटने वाला हो जाएगा। तो अभी लगभग 5-7 दिन में तो नहीं, पछिया हवा चलेगा तो, लेकिन अभी लगभग 15 से 20 दिन में कटने वाला हो जाएगा, पूरी तरह से कटाने लगेगा 15-20 दिन में। तो देख सकते हैं पूरी तरह से जो है ना पक चुका है अभी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं। दोस्तों अभी आ गया हूँ घर और अभी चलते हैं, ये गमछा को तैयार लेते हैं, सब देख सकते हैं, और ई वाला ऐड करेंगे, 4 पीस कम है। तो चलिए सब कुछ सही आ लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। दोस्तों 35 पीस हो गया, सबको बांध लिया। दोस्तों अभी टाइम 8:30 हो चुका है और अभी मैं ना तैयार हो चुका हूँ फिर बचने के लिए। अभी खाना खाते हैं तो देख सकते हैं, इधर रोटी साग, इधर रोटी दाल भात साग है, तो खाना खाते हैं, उसके बाद में भी माल लोड करेंगे। माल लोड नहीं किया जा सकते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में लोड करेंगे फिर निकलेंगे। चलिए फिलहाल खाना खाते हैं। 9:30 हो रहा है और अभी मैं घर से निकल चुका हूँ और चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बोनी कितना बजे तक होता है। तो फर्स्ट बोनी हो जाता है फिर मिलते हैं। दो गाँव घुमा हूँ, अशोकी और पवन टोली। तो अभी पहला गाँव अशोकी में ही बोनी हमारा हो गया है, लगभग 470 रुपये का सेल हुआ है, नाइटी उट्टी प्लाजो उलाजो सब टी शर्ट सब लेकर के अशोकी गांव में। और अभी चलते हैं हम बोहन टोली घूमा, बोहन टोली में दोस्तों नहीं सेल हुआ है, और अभी चलते हैं बेदौल में, बेदौल घूमते हैं। दोस्तों अभी हो गया है 12:30 और बेदौल ना घूम करके मुसहरी घूमा हूँ। मुसहरी में दोस्तों 1000 रुपये का, 1000+ का सेल हुआ है। और अभी चलते हैं दोस्तों फिर बसंत गाँव होकर के चलेंगे बसंत पट्टी की ओर। चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं। 6:15 हो गया है और अभी गांव से निकला हूं और दोस्तों चलते हैं फिलहाल घर पे। यहां से लगभग 4.5-5 किलोमीटर हमारा घर है, तो अंधेरा तो अभी हो ही रहा है, देख सकते हैं झोली पड़ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों घर पे, मिलते हैं और लगभग 1 बजे से लेकर के और अभी तक 4 गाँव घूमे हैं, बसंत, बसंतपट्टी, पुरनहिया और सोनौल, ये 4 गाँव जो कि शिवहर जिला में पड़ता है। तो घूम लिया और सेल दोस्तों मस्त हुआ है। फिलहाल चलते हैं घर पे, मिलते हैं, कितना का सेल हुआ है गिनती करेंगे। आएंगे घर और माल उतार लेते हैं, झोरा गमछा उतार लिया और कैरेट उतार लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही सब है, तो सारे को पहले सरिया लेते हैं। 500 का नोट ज़्यादा है तो देखते हैं कितना है टोटल। चार पाँच छः
कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3000 ये है दोस्तों, और 3000 है, इधर गिनती करते हैं कितना होता है। तो दोस्तों 350 ये हो गया, और यह 3300, और ए वाला देख सकते हैं रेच की, इसको गिनती करते हैं कितना होता है। तो चलिए इसको गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 11, 12, 13, 14, 3574 है, जिसमें से मैं लेकर गया हुआ था लगभग 300 रुपया, तो 300 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3570 रुपये का सेल हुआ है टोटल। तो चलिए ठीक है सेल दोस्तों, देख सकते हैं ये सारे हैं। तो अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, अभी खाना देखते हैं क्या है। तो अभी खाना खा रहे हैं, खाना पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं सब्जी है, रोटी है और दाल है। तो चलिए खाना खाते हैं, खाना खा के उसके बाद में वीडियो एडिट करेंगे, और फिर थोड़ा सा बुक एडिट करेंगे, फिर सोएंगे। चलिए फिलहाल दोस्तों खाना खाते हैं। दोस्तों अभी मैं खाना वाना खा करके आ गया हूँ छत पर, देख सकते हैं मैं अभी छत पर हूँ, और अभी चलते हैं। वीडियो ऊपर छत पर ही एडिट किया हूँ, एडिट हो गया, एडिट और थोड़ा सा होना बाकी है। और दोस्तों आज जो है ना सेल, टोटल सेल की बात करें तो 3200 उधर है और 100 रुपये अकाउंट में गया था, तो 3370 का सेल हुआ है, 3370। और 3370 में से इनकम की बात करें तो दोस्तों इनकम भी जोड़ लिया हूँ सारा, 900 का सेल हुआ, 900 का इनकम हुआ है 3370 के सेल में। और दोस्तों अच्छा रेट से अगर सेल होता तो कितना, लगभग अगर अच्छा रेट से सेल होता मेरे हिसाब से तो 1100 के आसपास तक होता इनकम, लेकिन दोस्तों बहुत ही उधर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्री वाला है, इस वजह से बहुत कम रेट में माल बेच करके कचरा कर दिया है पूरा, इसकी वजह से ज़्यादा रेट नहीं, 20% 25% इससे ज़्यादा मिलता ही नहीं है। और दूसरे साइड में जाते हैं तो 35% 40% मिल जाता है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा मतलब कम दाम में ही बेच दिया हुआ है, इसकी वजह से ऊपर चढ़ता ही नहीं है कस्टमर। चलिए फिलहाल दोस्तों अभी वीडियो थोड़ा सा एडिट करना है, करते हैं उसके बाद में सोएंगे। तो आज का इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह फिर से एक और नई वीडियो में, अभी के लिए तो ही बाय बाय, गुड नाइट।